दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती, और अगर हमारे सामने उन चीज़ों की बात करी जाए या फिर हमें वो काम करने के लिए कहा जाए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि BTS के मेंबर्स को क्या चीज़ें पसंद नहीं है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और दोस्तों, BTS के खास और एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए edu.sex को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, वैसे तो BTS ने अपनी पसंद नापसंद की ज़्यादा बातें लोगों के सामने करी नहीं है। उनको तो वही अच्छा लगता है जो उनकी आर्मी को अच्छा लगता है, और जैसा उनकी कंपनी कहती है वो वैसा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी उनकी खुद की काफ़ी सारी पसंद या फिर नापसंद है। दोस्तों, बात करें हमारे सबसे छोटे मेंबर यानी जंगकुक की, तो दोस्तों जंगकुक ने काफ़ी बार बताया है कि उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। दोस्तों, जंगकुक ने बताया है कि जैसे ही वो पढ़ाई करने लग जाते हैं उन्हें नींद आने लग जाती है। और दोस्तों, इसीलिए आपने जंगकुक को बहुत सारे काम करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भी रीडिंग करते हुए या पढ़ाई करते हुए शायद ही आपने जंगकुक को देखा होगा। और दोस्तों, मैंने खुद जंगकुक को कभी भी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। दोस्तों, इसके साथ साथ जंगकुक ने यह भी बताया कि उन्हें बैड स्मेल यानी गंदी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पता लग जाती है। दोस्तों, जंगकुक ने बताया कि वो स्मेल से काफ़ी सेंसिटिव हैं और उन्हें गंदी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी उनके पास अगर थोड़ी सी भी बदबू होती है तो उन्हें तुरंत पता लग जाता है, और इसीलिए वो स्मेल का बहुत ही ध्यान रखते हैं। दोस्तों, दूसरे आते हैं हमारे सबसे क्यूट मोची यानी जिमिन। दोस्तों, जिमिन ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उनकी हाइट का मजाक बनाए। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि BTS में सबसे छोटी हाइट जिमिन की है, हालांकि बहुत छोटी नहीं लेकिन बाकी मेंबर से छोटी है। और दोस्तों, जिमिन ने काफ़ी बार बताया है कि अगर कोई उनकी हाइट का मजाक बनाता है या फिर उन्हें हाइट के लिए छेड़ता है तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसके साथ साथ जिमिन को सेल्फिश लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी दोस्तों, जिमिन का कहना है कि इंसान को कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और अगर उनके आसपास कोई भी सेल्फिश इंसान है तो वो उसे कभी भी पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, तीसरे आते हैं हमारे जे होप। दोस्तों, जे होप को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, घोस्ट हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जे होप को जो चीज़ नहीं पसंद है वो है स्नेक्स। दोस्तों, जे होप को स्नेक से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, वो स्नेक का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हालांकि दोस्तों, काफ़ी सारी BTS की पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जे होप के कंधे पर स्नेक को रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों, फिर भी अपनी कंपनी जो भी कहती है उस हिसाब से BTS को काम करने पड़ते हैं, लेकिन जे होप को स्नेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपने आस पास स्नेक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, फिर आते हैं हमारे BTS के लीडर यानी RM। दोस्तों, RM ने बताया कि उन्हें सी फूड पसंद नहीं है। सारा सी फूड नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सी फूड जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक हैं उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके खाने में सी फूड जितना कम हो उतना अच्छा है। और दोस्तों, वैसे तो कोरिया में बहुत सारे लोग सिर्फ सी फूड ही खाते हैं, वहीं RM को सी फूड कम पसंद है। दोस्तों, इसके साथ साथ RM का ये भी कहना है कि उन्हें किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरी ना करना भी पसंद नहीं है। यानी RM को पसंद नहीं है कि कोई अगर उनसे कोई एक्सपेक्टेशन करता है वो उसे पूरी ना कर पाए। दोस्तों, इसके बाद आते हैं वी। दोस्तों, वी ने बताया है कि उन्हें अगर कोई एलियन कहकर बुलाता है या फिर एलियन के नाम से चिढ़ाता है तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके साथ साथ जो भी लोग उनसे 4D बोलते हैं या फिर 4 से रिलेटेड कोई भी बात बोलते हैं, वी को पसंद नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपनी पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि 4 नंबर को कोरिया में बहुत ही अनलकी माना जाता है, उसे डेथ का साइन माना जाता है। इसीलिए वी के सामने अगर उन्हें कोई 4 से रिलेटेड कोई भी चीज़ बोलता है तो उन्हें पसंद नहीं आता। दोस्तों, इसके साथ साथ वी को अगर कोई वियर्ड या फिर अजीब इंसान बोलता है तो भी उसे पसंद नहीं आता। यानी अगर आप सामने से जाकर वी को वियर्ड बोलेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आते हैं हमारे जिन। दोस्तों, वैसे तो जिन ने कभी भी नहीं बताया कि उन्हें क्या नहीं पसंद, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि वो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं और अपनी लाइफ में हर चीज़ में सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इसीलिए जिन को फेलियर्स बिल्कुल नहीं पसंद। यानी जिन फेलियर्स को बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, वो चाहे गेम हो चाहे उनकी रियल लाइफ हो, वो कभी भी अगर हार जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोस्तों, लास्ट में आते हैं हमारे मिन्योंगी यानी शुगा। दोस्तों, शुगा काफ़ी मैच्योर टाइप के इंसान हैं और वो अपनी बातें ज़्यादा रिवील नहीं करते, लेकिन काफ़ी बार उन्होंने बताया है कि उन्हें भीड़ भाड़ वाली चीज़ें पसंद नहीं आती। और दोस्तों, इसीलिए शुगा अपनी प्राइवेसी को बहुत मिस करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था।
क्योंकि रोड पे अकेले चलना, रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाने जाना या फिर अपना प्राइवेट टाइम बिताना शुंगा को बहुत ही पसंद था। लेकिन BTS मेंबर बनने के बाद वो ये सब नहीं कर पाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं काफ़ी सारे लोगों की भीड़, सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स उनके आसपास ही होते हैं और इसीलिए शुगा को क्राउडी एरिया पसंद नहीं है। हालांकि जैसी उनकी लाइफ है उन्हें दिन भर क्राउडी लोगों के साथ डील करना पड़ता है। दोस्तों इसके साथ साथ वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शुगा एक बेहतरीन डांसर है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शुगा को डांसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों शुगा ने खुद बताया था कि जब वो बिग हिट एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने के बाद ट्रेनिंग की तरह शामिल हुए थे तब उन्होंने साफ इनकार करा था कि वो डांस नहीं करेंगे और बैंक PD ने भी उनसे कहा था कि उन्हें बस गाने गाने हैं और बनाने हैं, उन्हें डांस नहीं करना है। हालांकि उन्होंने बाद में मजाक में बोला था कि बैंक PD ने उन्हें बुद्धू बना दिया और अब सिंगर के साथ साथ शुगा को एक डांसर भी बना दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी BTS के डिसलाइक्स पसंद आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है ये भी हमें ज़रूर बता दें और दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।